कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रभात फेरी सेवादल ने यमुनानगर के ऐतिहासिक गांव टोपारा कला में सम्राट अशोक पार्क में भारत माता की प्रतिमा के समक्ष अपना भाव प्रकट करते हुए दीप प्रज्वलित किया व पुष्प अर्पित कर महान शहीदों को नमन किया। 26 जुलाई 1999 के कारगिल विजय दिवस के मौके पर टीम के सदस्य ग्रीनमैन मंगा जी व समस्त टीम ने पौधारोपण कर जामुन के पेड़ लगाए, साथ ही भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित सदस्य मंगा, योगेश, जय, विक्की, अमित, मोहन, लकी, रुपिंदर, जस्सी, मोहन, चेतन, विजय, अमन, शेरू, गांधी, गगन, रमन, अमन, आयुषी, स्वास्तिक, कार्तिक, सतेंद्र, कौशल, सौरभ, शुभम व अन्य सदस्य। देश के नाम शहीदों के उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मना रहे हैं। और 1999 में आज के ही दिन हमारे देश के जो वीर शहीद जिन्होंने अपना शौर्य व पराक्रम कायम करते हुए दुश्मनों को, पाकिस्तानी दुश्मनों को धूल चटा दी थी, उनके लिए आज पूरी प्रभात फेरी टीम की ओर से शत शत नमन है। और हम यही कामना करते हैं कि उन सभी के परिवार खुशहाल रहें और हम भी जिस प्रकार से भी देश के प्रति, उन शहीदों के धूल चरणों के प्रति अगर कुछ थोड़ी सी भी सेवा कर पाएं तो उनको ये हाजिरी कबूल हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।